आनंद भी कितने प्रकार के होते हैं। एक खाने का आनंद है तो एक खिलाने का भी आनंद है। अभी जो जो समय चल रहा है, हम देखते हैं कितने लोग हैं, उनके अंदर कितनी अच्छी भावनाएं हैं। अभी मजदूरों का पलायन हो रहा है तो कितने सारे लोग हैं, कितने वॉलेंटियर्स हैं, ये बाईपास पर खड़े हैं, भोजन लिए, पानी लिए, जूते चप्पल लिए कि कोई बेचारा इस तपती दोपहरी में पैदल जा रहा हो तो उसे चप्पल दे दें, कितनी साइजों की चप्पल लिए, कितने कपड़े लिए कि किसी के तन पर कपड़ा ना हो तो कपड़ा दे दें। सचमुच खाने से ज़्यादा आनंद खिलाने में आता है भाई, पहनने से ज़्यादा आनंद दूसरे को पहनाने में आता है। अनुमोदना का बहुत आनंद है, इसलिए कभी इस तरह का मौका नहीं चूकना चाहिए, कभी इस तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि चक्रवर्ती हो तो सब जीव सुखी हो जाए, सबको सब व्यवस्था दे दें, कोई हलाकान ना हो, कोई परेशान ना हो, कोई अनाथ ना हो, कोई की माता पिता का बिछोए ना हो। यद्यपि ये सब होगा लेकिन भावना की बात है, इसलिए अच्छे जीव हैं भी, धन्य वे जीव जिनको अपने से ज़्यादा अपने साधर्म्य की चिंता है, जिन्हें दूसरों का दर्द अपना दर्द लगता है, दूसरे की भूख अपनी भूख लगती है, दूसरे की वेदना अपनी वेदना लगती है, और उन्हें अपने पेट भरने के पहले अब दूसरे की याद आती है कि कितने जीवों को आज पेट में भोजन ही नहीं गया है, और भले थोड़ी सी सामग्री लेकिन वे अपने स्तर पर उस कार्य में लग जाते हैं और दूसरे अपने देशवासियों को, अपने साधर्मियों को, मानव जाति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सहायता करते हैं, उनके काम आते हैं, फिर ना वहाँ कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। ऐसे लोगों के जज्बे को प्रणाम है, ऐसे लोगों के उत्साह को प्रणाम है। हमें भी ये सोचना चाहिए, हमें भी इस तरह की बातों का विचार करना चाहिए और हमें भी अपने जीवन में ये सब बातें आत्मसात करनी चाहिए ताकि हम किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप से अपने समाज के, अपनी मानव समाज के, अपने भारतवासियों के, अपने प्रदेशवासियों के, अपने साधर्मियों के किसी न किसी रूप में काम आ सके। और संकट की घड़ी में तो साधर्मी ही साधर्मी एक काम आता है। विचार ना भाई।